नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिटिंग फेज़। ये भी प्रिपरेटरी फेज़ की स्टेज है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है और जो ग्लाइकोलाइसिस का फोर्थ स्टेप है वो है लाइसिस। जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल को इन दो में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है या जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है वो है एल्डोलेज एंजाइम। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है आइसोमराइजेशन। जैसे हमने पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट उसका आइसोमर बनाया था, इस तरह हम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सॉरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो भी आइसोमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। इसमें भी इसका आइसोमर्स बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल सेम ही रहेंगे, बस उसकी अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। उसमें हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एल्डोज शुगर थी, उसको हमने कीटो शुगर में कन्वर्ट किया था। इसमें हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है हमारे पास एक कीटो शुगर है जिससे हम एल्डो शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आइसोमर्स बनेंगे और इंजाइम कौन सा यूज़ होगा? ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमिरेज इंजाइम। इसमें एक हाइड्रोजन जो है इस मतलब इंजाइम जो ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमिरेज वो कैटालाइज करेगा कन्वर्जन ऑफ कीटोज इनटू एल्डोज थ्रू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो ट्रांसफ़र होगा फर्स्ट कार्बन एटम से सेकेंड कार्बन एटम की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पे ऑफ फेज, जिसे हम एक और नाम भी दे सकते हैं एनर्जी जनरेशन फेज। इसमें हमारे पास सबसे पहले है जो स्टेप 6, उसमें हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की। ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बाई-फॉस्फो ग्लिसरेट में। इसमें हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्लिसरेल्डिहाइड में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो आके अटैच हो जाएगा NAD के साथ। और इस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज जो करेगा वो एंजाइम है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन की जगह हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड पे आके अटैच हो गया है एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये कन्वर्ट हो गया 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट। पहले हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे था फॉस्फेट ग्रुप, फिर हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे भी आ गया, इसलिए हम इसे कह देंगे 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि ADP के पास एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है किसी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड के थ्रू और वो कन्वर्ट हो जाता है आगे ATP में। ठीक है, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास एक फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड है जिसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है। इसने रिएक्ट किया, मतलब इसमें ADP और 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट इस रिएक्शन को कैटालाइज किया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम ने। काइनेज एंजाइम का काम क्या होता है? इसका काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करना। अब इसने क्या करना है? यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को ADP में ट्रांसफ़र करना और ADP को कन्वर्ट कर देना ATP में, और 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, मतलब कार्बन नंबर 1 से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होके ADP के साथ अटैच हो गया, ATP आगे कन्वर्ट हो गया ATP में, और 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में है, इसमें फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, ये भी आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है। अब इसमें क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट
कन्वर्ट हो रहा है टू फॉस्फोग्लिसरेट। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3 पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये किधर कन्वर्ट हो गया, 3 से कार्बन नंबर 2 पे आ गया, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई है। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ही हैं, और इस रिएक्शन को जो कैटलाइज कर रहा है वो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम का काम भी होता है कि उसने पोजीशन को चेंज करना होता है फॉस्फेट ग्रुप की। काइनेज एंजाइम ट्रांसफ़र करता है, और म्यूटेज एंजाइम जो है वो पोजीशन को चेंज करता है। फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे आ गई, इसलिए हम इसे कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये एक आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 9, जिसमें डिहाइड्रेशन हो रही है, 3-2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में हमारे पास डिहाइड्रेशन कैसे हो रही है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमारे पास एनालेज एंजाइम है जो इसको कैटलाइज कर रहा है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरोवेट, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। ठीक है, स्टेप नंबर 10 जो है हमारे पास वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरोवेट के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पे। इस ये फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा एडीपी में, एडीपी आगे कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। एडीपी के पास जब एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरोवेट से, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉस्फोइनोल पाइरोवेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा पाइरोवेट में। ठीक है, अब हमने कहा था कि ये हमारे पास स्टेप नंबर 6 से ये पे ऑफ फेज़ है, मतलब एनर्जी जनरेशन फेज़। अब इसमें एनर्जी कहाँ कहाँ जनरेट हो रही है, स्टेप नंबर 7 में देखें, एडीपी से हमारे पास एटीपी बन रही है। एडीपी से एटीपी कैसे बन रही है, फॉस्फोग्लिसरेट का फॉस्फेट ग्रुप एडीपी के साथ अटैच हो, उसने उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, और स्टेप नंबर 10 में भी एडीपी से एटीपी बन रही है। अब आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जब हमने कहा था ग्लिसरेल्डिहाइड, सॉरी स्टेप नंबर 5, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब मैंने कहा था एनर्जी जनरेशन फेज़ में हमारे पास 4 ATP बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, जब फ्रुक्टोज 1,6 कन्वर्ट होगा ग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, मतलब हमारे पास 2 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेंगे। देन ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोनों अलग अलग आगे ऑक्सीडेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, आइसोमराइजेशन और डिहाइड्रेशन और सबसे लेवल फॉस्फोरिलेशन की तरफ जाएंगे, तो मतलब ये 2 ATP के बजाय हमारे पास 4 ATP बनेंगे, मतलब 4 ATP ये बनेंगे, और जो हमने प्रिपरेटरी फेज में कहा 2 वहाँ बनेंगे, तो वो 2 कंज्यूम हुए और ये 2 4 प्रोड्यूस हुए, तो 4 में से हम 2 माइनस कर दें तो हमारे पास नेट प्रोडक्शन 2 ATP आ जाती है।